नमस्कार, वेलकम टू संजूस होम किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल फ्राई, जो कि बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दाल फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए धुली हुई दाल। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम तूर की दाल और 50 ग्राम चने दाल मिक्स करके अच्छे से मैंने धो के रखा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वॉश किया हुआ दाल को प्रेशर कुकर में डालेंगे। अब हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और इसमें हम पानी डाल के 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। लगाने के बाद दाल हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। मैंने उसको एक बाउल में निकाल भी लिया है। अब हम दाल फ्राई बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले गैस ऑन करके हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है और कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा इसमें हम सरसों और जीरा लगा डाल देंगे। अब इसमें तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। हाफ टी स्पून हींग डाल देंगे। अब इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। हरी मिर्च भी डाल लेंगे। 1 मिनट तक उसको भून लेंगे और इसके बाद हम कटी हुई टमाटर डाल के भून लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी पक जाएगा। नमक पहले हम दाल में डाले हैं तो उस हिसाब से आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डालिएगा। थोड़ा सा हल्दी का पाउडर भी डालेंगे, थोड़ा सा। इसको और 1 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। टमाटर अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब उबला हुआ दाल इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम उसको अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट उबालने के लिए छोड़ देंगे। दाल अगर ज्यादा ठीक लगे तो इसमें आप गर्म पानी थोड़ा ऐड कर सकते हैं। ये दाल अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा बटर डाल देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे।
इसको एक सर्विंग बोल में सर्व कर लेंगे। अब हमारा दाल फ्राई बनके रेडी है। आप इसको गर्मा गर्म प्लेन स्टीम राइस या जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं।